हेलो दोस्तों, मैं आज आपको अपने ब्यूटीफुल मनी प्लांट के केयर एंड टिप्स के बारे में बताऊंगा किस वजह से इतना हरा भरा घना और बहुत ही बड़ा हो गया है, चमकदार पत्तेदार। आप सभी देख रहे होंगे मेरे इस मनी प्लांट को, मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है और जिसके बीच में एक स्टिक लगाई हुई है जिसके सहारे ये मनी प्लांट मैंने बांधा हुआ है। और इतना हरा भरा है कैसे हुआ है, गर्मियों में भी खूब बिल्कुल ही हरा भरा है, सूखे नहीं पत्ते। मैं इसमें क्या फर्टिलाइज़र डालता हूँ, क्या वाटरिंग कब करता हूँ, कैसे और सोइल मीडिया कैसा है, इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं मनी प्लांट की लाइट के बारे में बात करता हूँ। मनी प्लांट को ऐसी सनलाइट में रखना चाहिए जहाँ पर उसको सेमी शेडी एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, कम से कम सनलाइट इस पे डायरेक्ट पड़े, इनडायरेक्ट वे में खूब रोशनी आए। अगर ज़्यादा धूप में रखोगे तो इसके पत्ते पीले पड़ जाएंगे और जल से जाएंगे। इसकी रौनक इसके हरे भरे और जो वेरीगेटेड शेड से आती है इसमें ही होती है। अब हम इसकी सोइल मीडिया के बारे में बात करते हैं। सोइल मीडिया इसका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल ना ठहरे, थोड़ी देर बस मिट्टी गीली हो जाए और जो फालतू का पानी होता है वो निकल जाए। अगर इसमें ज़्यादा देर तक पानी ठहरा रहेगा तो इसकी जड़ें गल सकती हैं और ये जो इतना अच्छा हो रहा है इस तरह के नहीं हो पाएगा। इसकी जो सोइल है बिल्कुल वेल ड्रेन सोइल होनी चाहिए। अब मैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँगा। फर्टिलाइज़र इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की वैसे आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप जो ज़्यादा इसकी केयर करके हरा भरा देखना चाहते हैं तो इसमें आप 90-90-19 के रेशो का NPK डाल सकते हैं 20-25 दिन में, एक चम्मच 1 लीटर में घोलकर, या आप वर्मी कंपोस्ट या काओ डंक कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट कुछ इस टाइप की भी डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो वायु है उसे शुद्ध करता है, इसे एयर प्यूरिफायर प्लांट भी कहा जाता है। ये इसको गोल्डन पोथोस के नाम से भी जाना जाता है और बहुत से लोग इसे मनी आकर्षित करता है इस वजह से भी लगाते हैं, धन का पौधा भी कहा जाता है इसको। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसको महीने भर में क्या आप हर हफ्ते हफ्ते भर में 3-4 दिन में इसकी पत्तियों को पानी से धो भी सकते हैं, उससे और इसकी पत्तियां साफ़ दिखेंगी और चमकदार। अब हम इसकी वाटरिंग के बारे में बात करेंगे। इसको पानी जब डालना है जब इसकी मिट्टी ऊपर से हल्की सी ड्राई सी हो जाए, जब तक इसमें नमी है ज़्यादा पानी इसमें ना डालें। अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो आप समझ सकते हो इसकी जड़ें गल जाएंगी और पौधा एकदम सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा।